हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 11th का ऑलरेडी ओसी का फर्स्ट चैप्टर का मैंने दो पार्ट्स पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में अंदर उसके अंदर उस लिंक दे दिया है ऑलरेडी मैंने। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे दो पार्ट्स प्रीवियस वाले नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले मेरे को दोनों पार्ट्स देखे, बाद में ही थर्ड पार्ट पे जंप लगाएं। थर्ड पार्ट होगा ये अपना फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के बीच में, और ये अपना लास्ट पार्ट भी हो सकता है। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अपन पढ़ेंगे, और ये वाले पार्ट के अंदर ये पूरा चार्ट जो देख रहे हो आप, मैं थोड़ा नैरो करता हूँ, तुम लोगों को देखा में आएगा, ये वाला चार्ट अपना पढ़ेंगे और चैप्टर्स क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो ये वाले पोर्शन के अंदर अपन ये पूरा पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है। चलो शुरू करते फटाफट कि क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस होती है। फर्स्ट देखते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में भी ब्रॉडली क्लासिफाई इन टू कैटेगरी। जनरली दो कैटेगरी में बिजनेस डिवाइड होता है, एक तो इंडस्ट्री है और सेकंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, व्हाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कॉमर्स का मतलब तो अपन ने उसमें भी पढ़ा था, जब भी मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने तुमको बोला था कि कॉमर्स क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है वो नथिंग बट क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्स बोलते हैं। यस, चलो बिजनेस दो पार्ट में है, फर्स्ट तो है अपना इंडस्ट्री और सेकंड है अपना कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर तीन पार्ट इन लोग ने डिवाइड किया है, एक तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। उसके अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशन है, जब भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरा डिटेल में पढ़ना है अपन को, तभी अपन देखेंगे कौन से प्राइमरी के अंदर कवर्ड होता है, सेकेंडरी के अंदर कवर्ड होते हैं कौन सी एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी टर्शियरी के अंदर कवर्ड किया है लोग ने। सेकेंड आ जाता है अपना कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर दो पार्ट पहले इन लोग ने दिया है, जो है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आई होप तुम लोग को अपन ने जब भी डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था तभी मैंने तुम लोग को समझा दिया था कि व्हाट यू ट्रेड, ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज नथिंग बट जो भी एक्टिविटी जो मेरे ट्रेड को सपोर्ट करती है वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। यस, ये भी सब चीजें अपन क्या पढ़ेंगे डिटेल में, अपन जब भी अभी जब भी अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या सब चीजें होती है। ट्रेड के अंदर मेनली दो पार्ट इन लोग ने डिवाइड किया है, इन लोग ने एक तो है होम ट्रेड है और एक है फॉरेन ट्रेड दिया गया है। ठीक है, होम ट्रेड इज नथिंग बट होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट भी बोलते हैं और री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। देखो ये सब चीजें सब टर्म्स अपन पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे लेक्चर्स के अंदर। देखते चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते फटाफट। पहला तो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑफकोर्स पहला क्या है इंडस्ट्री, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और मफत सेवा करने के लिए बैठी नहीं है, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सिस इंटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। द गुड्स प्रोड्यूस मे बी अ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द फाइनल कंज्यूमर, वेयर एज द कैपिटल गुड्स आर यूज बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो दो पार्ट का कैपिटल होता है, जो ऑलरेडी अपने सेकेंड या फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ लिया था, एक कैपिटल गुड्स होता है और एक कंज्यूमर गुड्स होता है। मैं वहां पर बोला था सीसी गुड्स बोलते हैं इसको। कंज्यूमर गुड्स मतलब टी, मिल्क, कोई भी ऐसा फूड, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और कैपिटल गुड्स के अंदर अपन पढ़ा था प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, वो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल गुड्स हो जाएगा। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम शुगर केन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री विल बी इंक्लूडिंग ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट ऑल्सो क्रिएट अ सर्विस लाइक बैंकिंग, होटल्स, इंश्योरेंस, टूरिज्म एटेक्स्ट्रा। इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स अ रॉ मटेरियल इंटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट। ऑल दिस इज पॉसिबल विद द मैन पावर, मशीन पावर एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन अ फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, शेड और इवन अ समटाइम एट होम। इट ऑल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या काम करती है, बेसिक काम करती है, जो भी रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलेंगे अपन इंडस्ट्री बोल सके। इंडस्ट्री में भी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर इन लोग ने डिवाइड किया है इंडस्ट्री को, जो अपन ने चार्ट के अंदर देखा था। पहला है प्राइमरी, पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द नेचर, मतलब वो किससे नेचर किससे कंसर्न करती है, नेचर से। इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट
ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप के प्राइमरी इंडस्ट्री इन लोग ने डिफाइन किया है. पहला तो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दिस इंक्लूडिंग फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटी ऑफ कंडीशन एंड रेनफॉल. यस. सेकेंड आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री ड्रो आउट अ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर. जनरली द प्रोडक्ट आर इन अ रो फॉर्म एंड दे आर यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग अ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड. आपको मालूम है ऑयल जमीन खोद के क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, ऑयल का कुआ बोलते हैं अपन उसको. तो इज नथिंग बट एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी, और इंडस्ट्री भी बोल सकते हो वो एक्टिविटी को. इट मे बी यूज इन अ क्रूड फॉर्म और मे बी अ सेंड टू अदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. वो ऑयल या तो फिर आप क्रूड ऑयल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, या तो फिर कोई इंडस्ट्री को प्रोवाइड करके उसको फिल्टरिंग करके अपन पेट्रोल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं. वो हो जाएगा अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. थर्ड हो जाएगा जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल एनिमल्स हस्बेंड्री, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर. वो आपको क्या किया है प्राइमरी के अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या किया, इन लोग को बाइफर्केशन किया है. समझ में आया? कुछ डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है. यस. सेकेंड आ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री. सर ये चीज क्यों बोला है, अपन ने जस्ट अभी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करता है, गुड्स प्रोवाइड करके देता है. इसलिए सेकेंड इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड है. दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश प्रोडक्ट. एग्जांपल टोमेटो प्रोवाइड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ सॉस एंड केचप. ऑफ कोर्स अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री केचप है और बना रहा है वो किस पे से बनेगा, टोमेटो. टोमेटो कहाँ से मिलेगा अपने को, प्राइमरी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में से मिलेगा अपने को. सेकेंडरी इंडस्ट्री आर ऑफ टू टाइप्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है इन लोग ने. पहला पार्ट है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. नाम भी मतलब गिर रहा है कि व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग. कंस्ट्रक्टिंग का मतलब भी समझ में आ रहा है कि भाई रोड, रेड, ब्रिज एंड ऑल, वो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कवर हो जाएगा. दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर. द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. एग्जाम्पल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एटेक्सना. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजिस, रोड, टनल, चैनल, कर्नल्स, मेट्रो एटेक्सट्रा. इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्री गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट अ वन प्लेस एंड सोल्ड एट अदर प्लेस, बट गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दिस इंडस्ट्री आर एट अ वन प्लेस. दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट अ इमूवेबल वेल्थ. देखो कंस्ट्रक्शन, अपन रोड को ट्रांसफर कर सकते हैं. आज इधर रोड बनाया, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में रोड बनाया, तो वो रोड अपन उठा के दिल्ली भेज सकते हैं क्या? नहीं. वो रोड और वो मटेरियल और सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब इनडायरेक्टली आप बोलने जाओ तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसी जगह पे बनेगा और उधर ही उसकी वेल्थ क्या होगी, क्रिएट होगी. यस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर अपन देखते हैं, दे प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज इंडस्ट्री. सर्विस फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाई दिस इंडस्ट्री, इट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम अंडर द ट्रेडिशनल कैटेगरी, वेर इज द मॉडर्न टाइम होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड. यस, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री इन लोग ने बाइफर्केशन किया है किसके अंदर, इंडस्ट्री के पोर्शन के अंदर. तो ये हो गया अपना इंडस्ट्री का तीन पार्ट, जो है अपना हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी. अभी अपन देखते हैं कॉमर्स क्या होता है. चलो देखते हैं क्या है कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब तो नथिंग बट अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफरेंट बिटवीन ने देख लिया था कि कॉमर्स इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कॉमर्स क्या होता है. मीनिंग कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज अ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ इंडस्ट्री. इट इंक्लूडिंग ऑल दस एक्टिविटी विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फ्री एंड अनइंटरप्रिटेटेड फ्लो ऑफ गुड्स.
कॉमर्स ब्रीच द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ. कॉमर्स इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू द ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अभी सर व्हाट यू मीन बाय ट्रेड, ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. यस चलो देखते ट्रेड. ट्रेड डिनोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी और मनी वर्थ. गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन अ डिफरेंट मार्केट. ट्रेड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर. ऑफकोर्स कल उठ के कोई भी चीज अपन परचेस करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस करने गए, तो मशीनरी अपन परचेस करने गए तो वो ओनर तो पहले कौन होता है, सेलर ही होता है. अगर अपन उसके बदले में पैसा दे देते तो ओनर क्या कर देता है, वो सेलर क्या कर देता है, वो ओनरशिप अपने को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड एज अ होम ट्रेड. अरे भाई होम ट्रेड क्या होता है सर, होम ट्रेड को अल्टरनेट टर्म में भी बोल सकते हो इंटरनल ट्रेड, और अल्टरनेट मीनिंग निकालने जाओ तो डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं. मतलब सर नहीं समझ में आया, एक हिंदी में लाइन बोल दो ना समझ में आ जाएगा. ए भाई होम ट्रेड मतलब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करूंगा मैं विद इन इंडिया करूंगा, वो चीज को क्या बोलूंगा मैं, होम ट्रेड बोलूंगा. इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री. इट यूज अ लोकल करेंसी फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. होम ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है लोग ने, एक तो है होलसेल और एक है रिटेल. होलसेल लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, रिटेल कम क्वांटिटी में डील करता है पर वेराइटी ऑफ गुड्स डील करता है. यस और नो? सर नहीं समझे, वापस से समझाओ. ए भाई अपने आजू बाजू में जो शॉप है रिटेलर, वो कम क्वांटिटी में डील करता है पर उसके पास वेराइटी बहुत सारी होती है. बट होलसेलर एक ही क्वांटिटी बेचता है पर वो लमसम क्वांटिटी में बेचता है. तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड. इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क. A wholesaler purchase in a large quantity from the producer and sell in a small quantity to the retailer. He is a link between the producer and retailer. Retailer कौन है? Retailer is a business activity associated with the sale of goods to the final customer. A retailer is a one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sell them in a smaller quantity to the final customer. Retailer is a link between wholesaler or sometime manufacturer and ultimate customer. बहुत basic मतलब दिया है, I hope तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा. Yes, चलो next है foreign trade. अभी home trade का उल्टा foreign trade. Foreign trade मतलब यहाँ पे minimum दो country involved होगी. मतलब for example India ने goods बेचा USA को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो trade को क्या बोलूँगा मैं, foreign trade बोलूँगा, और external trade भी बोल सकते हो आप. Yes. When trade take place between a different countries. मैं देखो वापस से यहाँ पे बोल रहा हूँ, इंडिया मतलब पूरे इंडिया. अगर तुम लोग मुंबई से दिल्ली में गुड्स बेच रहे हो तो मतलब उसका मतलब होम ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड नहीं कहलाएगा. फॉरेन ट्रेड तभी कहलाएगा जब भी दो कंट्रीज इन्वॉल्व होगी तब भी कहलाएगा. इट इज नोन एज अ फॉरेन ट्रेड. When boundaries of the two countries are crossed, then different currency are used. It further divided as a तीन पार्ट में इन लोग ने फॉरेन ट्रेड को डिवाइड किया है. पहला तो है इंपोर्ट, मतलब अपन फॉरेन से गुड्स मंगाते हैं उसको बोलेंगे इंपोर्ट, अपन फॉरेन में गुड्स बेचेंगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, और एक सर क्या है इंटरपोर्ट ट्रेड, मतलब अपन ने गुड्स एक कंट्री से मंगाया और दूसरी कंट्री को बेचा. सर एक एग्जांपल दे दो समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स मंगाया अमेरिका से और वो गुड्स मैंने बेचा श्रीलंका को, एक चीज को मैं क्या बोलूंगा इंटरपोर्ट बोलूंगा. ठीक है. इंपोर्ट व्हेन अ गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट कॉल्ड एज अ इंपोर्ट. मैं फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज करूंगा उसको इंपोर्ट बोलूंगा. व्हेन मैंने गुड्स सेल करूंगा सोल्ड करूंगा फॉरेन बायर देन इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट. और इंटरपोर्ट का मैंने मतलब क्या बोला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड. इट इन्वॉल्व्स अ इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दीज गुड्स टू द अनदर कंट्री. एग्जाम्पल इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सेम टू द अफ्रीका. यस आई होप तुम लोग को समझ में आ गया रहे. अभी पढ़ते हैं अपन, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है. कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं ट्राई करूंगा. नेक्स्ट अभी भी मेरा लेक्चर आएगा, वीडियो पार्ट बनेगा, उसमें आपको डाउट डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा. कॉमर्स के अंदर अपन ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, अभी ट्रेड पढ़ा. उस ट्रेड में भी दो पार्ट के ट्रेड थे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड.
अभी ये पढ़ते हैं अपन बी पार्ट जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो व्हाट यू मीन बाय ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी का मतलब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी डिफरेंट बिटवीन में समझा दिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेड जो मेरा मेरे मेन ट्रेड को क्या करता है सपोर्ट करता है उसको बोलूंगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हो उसके अंदर मेरे को कोई चीज सर्विस सपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल समझा सर एग्जांपल देते हैं हम लोग को सब समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस वो कहा ना कहा मेरे ट्रेड को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है वो चीज को क्या मैं बोलूंगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। All those activity that facilitate smooth flow of goods from manufacturing center to the consumption center are called aid to trade or auxiliary to trade. This activity play a supportive role. They help in removing the hindrance which arising during the production and distribution of goods and services. Following are the various auxiliary to trade. यहाँ पे examples दिए हैं इन लोग ने, क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला है कि ट्रांसपोर्ट, सर अभी ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो भी समझा। अभी भाई ट्रांसपोर्ट नथिंग बट वो चीज़ जो मेरे बिजनेस फैक्ट्री से लेके फाइनल कस्टमर तक या तो रिटेलर तक वो माल पहुंचाता है उसको मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट। तो आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आई होप क्लियर है। सेकेंड है वेयर हाउसिंग। ए भाई वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग तो आई सर सुना नहीं है क्या, सुना नहीं है वर्ड। गोडाउन सुना है, यस सर गोडाउन तो सुना है, गोडाउन इज नथिंग बट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब वेयर हाउसिंग क्या रोल प्ले करता है, वेयर हाउसिंग क्या करता है कि जब भी डिमांड आएगी प्रोड्यूसर या तो होलसेलर क्या करता है मार्केट में गुड्स क्या करता है सप्लाई करता रहता है। तो कहा ना कहा मेरे डिमांड अरे मेरे प्रोडक्शन या तो फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहा है मेरे को हेल्प कर रहा है, इसलिए ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर क्या हो जाएगा इसका रोल हो जाएगा। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सर्टन गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा। इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन शॉर्टेज इज डिस्पेंसेबल, द गुड्स शुड बी स्टोर केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड, स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस एंड डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, गोडाउन्स। Price is maintained at a reasonable level and there is a continuous supply of goods and supply service. Of course, अगर suppose कि suddenly for example कभी कभी हो जाता है कि market के अंदर demand बहुत है और supply नहीं होती तो suddenly भाव क्या हो जाता है बढ़ जाता है। कभी कभी अपने बीच में भी देखा था onion का भाव जो 40 रुपये चल रहा था वो suddenly 140 रुपये हो गया। रीजन क्या था कि भाई उन लोग ने स्टोरेज नहीं रखा था और सडनली मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही थी, या तो स्टोरेज था बट उन लोग ने क्या कर दिया था रोक दिया था। तो कहा ना कहा अगर फ्लो ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम हुई तो कहा ना कहा प्राइस बढ़ना ही है हाइक होना ही है। यस नेक्स्ट है इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स कहा ना कहा ये भी मेरे को क्या करता है सपोर्ट करता है, देखो प्रोडक्शन के अंदर सपोर्ट नहीं करता है बट कहा कहा अगर मेरे को आग लग गई फायर लग मतलब कुछ नुकसान हो रहा है मेरे गोडाउन के अंदर तो मुझे इंश्योरेंस से क्या मिलता है पैसा मिलता है वो गुड्स का। यस There are various risks involved in the business. The goods may be destroyed while in production process or in transit due to the accident or in a storage due to the fire or theft. The businessman would like to cover these risks. Insurance companies cover to their rescue. They undertake to compensate the loss suffered due to such risks. The businessman has to insure his goods and pay a premium regularly. Risks cannot be avoided completely, but they can be minimized by taking an insurance policy. Of course, आग लग जाती है तो अगर तुम लोग ने इंश्योरेंस लिया रहेगा तो वो रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो बट अवॉइड कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट है बैंकिंग। भाई कहा ना कहा आज डावर्ड है सब ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बैंकिंग के थ्रू ही हो रहा है, सब फोन पे गूगल पे यूज कर रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ सर्विस के लिए। तो कहा ना कहा वो मेरे बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है तो बैंकिंग भी हो जाएगा एक सपोर्ट सर्विसेज। We require money to start a business and to run it smoothly. Bank supply a money, adequate fund can be obtained from the bank. Bank provide a loan, overdraft, cash credit at extra to the businessman. Bank also provide many services like check, drafts, debit card, credit card, online transaction at extra. It helps the traders to carry their own business activity smoothly. Yes, I hope, I don't think there's kuch doubt hona chahiye isme aapko. Next है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी मेरा कहा ना कहा मेरे बिजनेस में क्या होता है सपोर्ट करता है। एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन द सेलिंग द गुड्स, द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। इट कैन बी कैरिड इन अ डिफरेंट वे, इट कैन बी इनडोर एंड आउटडोर ऑल्सो।
कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर इन आवर होम इट्स कॉल्ड एज अ इंडोर एडवर्टाइजमेंट. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग के लिए आप न्यूज़पेपर यूज कर सकते हो, रेडियो, टीवी, वो एडवर्टाइजिंग को मैं क्या बोलूंगा, इंडोर एडवर्टाइजमेंट. कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम्स इज कॉल्ड एज अ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट. लाइक एग्जाम्पल हाईवे पर अपन देखते हैं पोस्टर्स होर्डिंग एट अ प्रोमिनेंट प्लेस, नियॉन साइन बोर्ड एटेक्स्ट्रा, इट्स कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट आ जाता है अपना मर्केंटाइल एजेंट. सर ये क्या है अभी मर्केंटाइल? नथिंग बट एजेंट. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर नया मार्केट में आया या तो फिर उसको मार्केट का अवेयरनेस नहीं है इतना, तो वो एजेंट के थ्रू क्या कर सकता है, अपना गुड्स बाइंग ट्रेनिंग कर सकता है और सेल कर सकता है कस्टमर को. नथिंग बट एजेंट. कस्टमर आर स्कैर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सेलर टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर. इन दिस डिफिकल्टी कैन बी रिजॉल्व बाई मर्केंटाइल एजेंट. They bridge the gap between buyer and seller, broker, estate agent, etc. are some example of the mercantile agent. और last है communications. Nowadays अपन देख रहे हैं कि communication बहुत बड़ा role play कर रहे हैं अपने business success के अंदर. Nowadays corporate to majority email के through ही क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं communication करते हैं. In today world there is a information explosion. The information has to be communicated. There is need of communication to facilitate the traders, producers and consumers to exchange information with the one another. Various means of communication such as a cell phone, postal services, email are made available. So, ये क्या हो जाएगी? Auxiliary to trade की भाई कौन सी ऐसी services तेरे को help करती है तेरे business के अंदर या तो trade के अंदर, buying and selling के अंदर. Yes, so यहाँ पे अपना chapters वाइंडिंग अप होता है. एक्सरसाइज रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपके हिसाब से कर लेना और डिफरेंट बिटवीन भी आपके हिसाब से कर लेना. तो यहां पे मेरा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट ओवर हो रहा है. देखो मैं सब चीजें डिटेल में पढ़ा है, एक एक लाइन आपको पढ़ा है मैंने. ऐसा नहीं कि भाई फटाफट भगा भगा के पहला पार्ट एक ही चैप्टर एक ही पार्ट के अंदर कवर कर दिया. नहीं, मैंने तीन पार्ट, भले मेरे को अगर फोर्थ पार्ट लगता तो मैं फोर्थ पार्ट भी बनाता था. मैं आराम आराम से जा रहा हूँ. मेरे सब पार्ट एक चैप्टर्स बेयर मिनिमम तीन से चार पार्ट तो बनेंगे एक एक चैप्टर्स के. तो प्लीज फ्रेंड्स आपको खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिन जिन्होंने अभी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया मेरा लाली लिंक भेज देना उनको और घर बैठे पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो टिल टाइम टेक केयर और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेट रहना. मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा जो अपना सेकेंड चैप्टर्स होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.